गुड मॉर्निंग बच्चों, बीएससी कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है और मैं विद्यासागर सिंह जो आप लोगों को साइंस का क्लास दूंगा। तो जनरली जब हम लोग साइंस की बात करते हैं तो साइंस हमारे किस एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस होती है। तो आज के क्लास में हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे और दूसरा किस एग्ज़ाम में क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे जो एसएससी की तैयारी करने वाले होते हैं वो बच्चे बीपीएससी भी देते हैं। तो कल देखे होंगे आप लोग 66वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन भी आ गया है। एसएससी वाले बच्चे जो होते हैं वो सीडीएस का भी प्रिपरेशन करते हैं, सीडीएस का भी एग्ज़ाम देते हैं। तो हम लोग जो साइंस पढ़ेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि हर एग्ज़ाम के लिए यूजफुल हो। तो जनरली जब हम लोग साइंस की बात करते हैं कि जनरल कंपटीशन में जो साइंस से क्वेश्चन आते हैं जिसको हम लोग विज्ञान कहते हैं, तो साइंस के किस सेक्शन से क्या पूछा जाता है, तो जनरली हम लोगों के दिमाग में एक ही बातें आती है बाबू कि अगर हम लोग साइंस की बात कर रहे हैं तो हम लोग ध्यान देते हैं हमेशा कि साइंस में हम लोगों ने फिजिक्स को पढ़ लिया तो काम हो गया, इधर केमिस्ट्री को पढ़ लिया तो काम हो गया, ठीक है, और इधर हम लोग बायोलॉजी को पढ़ लिए तो काम हो गया। लेकिन अभी साइंस का एक नया सेगमेंट जुड़ा हुआ है, हाल फिलहाल में 4 साल से क्वेश्चन आ रहा है उससे, जिसको हम लोग कहते हैं इकोलॉजी। ठीक है, अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें तो इसको हम लोग बोलेंगे भौतिकी विज्ञान, केमिस्ट्री की बात करें तो इसे बोलेंगे हम लोग रसायन विज्ञान, और बायोलॉजी की बात करें तो हम लोग इसे बोलेंगे जीव विज्ञान, और अगर हम लोग इकोलॉजी की बात करें तो इसे हम लोग बोलते हैं पर्यावरण साइंस। ठीक है, पर्यावरण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो जनरली जो एग्जाम में इंपॉर्टेंस देखा जाए इन चारों साइंस सेगमेंट का, तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बायो का। लेकिन कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो मतलब पढ़ना चाहिए फिजिक्स, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो रेलवे का एग्जाम होने वाला है, एनटीपीसी जो एग्जाम होने वाला है, उसमें बायो ही ज़्यादा पूछेगा। फिजिक्स के लिए आप लोग ज़्यादा परेशान ना होइएगा, और वैसे भी जब तक एग्जाम है जब तक हम लोगों का सिलेबस खत्म हो जाएगा तो उसका भी टेंशन नहीं लेना है। तो हम लोग जो अब बात करेंगे बायो की बात करेंगे, बायो पढ़ेंगे क्योंकि बायो से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, तो इसलिए हम लोग टारगेट करते हैं बायो को और हेडिंग बनाएंगे हम लोग बायो। अगर आप लोग लिख रहे हैं तो नोटबुक निकालेंगे और लिखना शुरू करेंगे आप लोग, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, एप्लीकेशन में तो स्क्रीनशॉट पॉसिबल है नहीं, तो लिखना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा समय दे रहे हैं आप लोगों को, लिख लीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, हेडिंग बनाएंगे हम लोग सिलेबस ऑफ बायोलॉजी। हम लोग बात कर रहे हैं सिलेबस का, बायो के सिलेबस का, कि बायो से क्या क्या क्वेश्चन, कौन कौन सा चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। तो हम लोगों ने हेडिंग बनाया बायो, हेडिंग क्या बनाया बायो। ठीक है, तो बायोलॉजी को जब हम लोग पढ़ते हैं तो दो सेगमेंट में पढ़ते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं जूलॉजी और एक को हम लोग बोलते हैं बोटनी। ठीक है, तो जब हम सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस में हम लोग देखते चलेंगे कि पहला चैप्टर हम लोगों का क्या होगा। तो पहला चैप्टर हम लोगों का होना चाहिए इंट्रोडक्शन। ठीक है, पहला चैप्टर हम लोगों का क्या होगा बाबू, इंट्रो। पहला चैप्टर जो होगा हम लोगों का वो होगा इंट्रो, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी जो है, जनरली बच्चों को ऐसा लगता है कि इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि इंट्रोडक्शन से 7 क्वेश्चन बनते हैं बायो के, और जो जनरली हर एग्जाम में आते जाते रहते हैं। ठीक है, अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो हम लोग ये वर्ड पढ़ते हैं कि बायोलॉजी वर्ड किस लैंग्वेज से आया है, बायोलॉजी वर्ड का किसने पहली बार यूज किया था, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, बायोलॉजी पर पहली बुक कौन सी लिखी गई, इस बुक में क्या था, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में। दूसरा चैप्टर जो होता है जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अगर हम लोग बात करें न्यूट्रिएंट्स का, जिसका हिंदी होता है पोषक तत्व, पोषक तत्व न्यूट्रिएंट। तो अगर हम लोग न्यूट्रिएंट चैप्टर की बात करें तो न्यूट्रिएंट में क्या पढ़ेंगे, तो न्यूट्रिएंट्स का मतलब यह हुआ बाबू कि जो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ के वर्क के लिए एनर्जी गेन करते हैं, तो एनर्जी गेन करने के लिए कोई ना कोई मटेरियल की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग एनर्जी गेन करने के लिए क्या करते हैं, भोजन लेते हैं, फूड लेते हैं, तो इस फूड में क्या लेंगे, यही है न्यूट्रिएंट। तो ये चैप्टर जो है न्यूट्रिएंट में जो हम लोगों को पढ़ना पड़ता है बाबू, तो न्यूट्रिएंट्स चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या पड़ेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट पढ़ना पड़ेगा, प्रोटीन पढ़ना पड़ेगा, फैट पढ़ना पड़ेगा, मिनरल पढ़ना पड़ेगा, मिनरल्स पढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा हम लोगों को विटामिन्स पढ़ना पड़ेगा, विटामिन्स पढ़ना पड़ेगा,
फिर हम लोगों को वाटर पढ़ना पड़ेगा, वाटर, और फिर हम लोगों को रफेज पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, रफेज को ही हम लोग बोलते हैं फाइबर। रफेज को ही क्या बोलते हैं बाबू? फाइबर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स के हिंदी की बात करेंगे तो इसका हिंदी होता है जिसे हम लोग कहते हैं शर्करा। प्रोटीन का कोई हिंदी नहीं होता, इसी को हम लोग प्रोटीन ही कहते हैं। फैट्स को हम लोग वसा कहते हैं, फैट्स को वसा कहते हैं। मिनरल्स को खनिज कहते हैं। विटामिन्स को विटामिन्स ही कहते हैं, तो ये विटामिन है। वाटर को जल कहते हैं, पानी कहते हैं। रफेज को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? रेशा बोलते हैं इसे, और इसे ही हम लोग रुक्षांश भी कहते हैं, और इसे ही हम लोग मोटा चारा भी कहते हैं, इसे ही हम लोग मोटा चारा भी कहते हैं। तो जो हम लोगों का न्यूट्रिएंट सेक्शन होगा, यानी कि जो हम लोगों का चैप्टर नंबर 2 होगा, इसमें इतने सेगमेंट हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। कार्बोहाइड्रेट्स से देखे होंगे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो पहले के एग्जाम में होते थे, सिंपल सिंपल कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन आते थे, लेकिन आजकल कार्बोहाइड्रेट से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स में जनरली हम लोग जानते हैं कि जो चीज़ें मीठा लगती है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। जनरली कोई भी मटेरियल हो जो मीठा लगता है तो हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स है, बट ऐसी कोई बात नहीं है। जो हम लोग शुगर खाते हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, तो जो हम लोग शुगर खाते हैं तो इस शुगर के जगह पे आर्टिफिशियल शुगर भी आ गया है, आर्टिफिशियल स्वीटनर भी आ गया है, जो आजकल एग्जाम में काफ़ी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, किसी भी एग्जाम को उठा करके देखिएगा तो उसमें आजकल आर्टिफिशियल शुगर, आर्टिफिशियल स्वीटनर से खूब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस बात को ध्यान रख के हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे हम लोग। तो इसको हम लोग सेकंड नंबर चैप्टर को हटाते हैं और थर्ड नंबर चैप्टर का जिक्र करते हैं। तो थर्ड नंबर चैप्टर का जिक्र करने से पहले आप लोगों को यह लिखना पड़ेगा, तो लिखिए इसको, तब तक हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट पेज को ही ले लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत से पहले हम लोग पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे बाबू? ह्यूमन सिस्टम। ठीक है, मानव तंत्र में ही तीसरा नंबर चैप्टर को इंक्लूड करेंगे। तीसरा नंबर चैप्टर क्या होगा बाबू, ये देखेंगे। तो हम लोगों ने पहला चैप्टर बात किया कि इंट्रोडक्शन होगा, दूसरा चैप्टर जो हम लोगों ने बात किया वो था न्यूट्रिएंट, तीसरा नंबर जो चैप्टर होगा हम लोगों का होगा स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं कंकाल तंत्र। स्केलेटन सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे बाबू? तो स्केलेटन सिस्टम आप लोग समझते हैं कि हमारे शरीर को जो स्ट्रक्चर प्रदान करता है, जो हड्डियां हमारे शरीर को स्ट्रक्चर देती है, दैट इज कॉल्ड स्केलेटल। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं कंकाल। तो ये कंकाल का क्या यूज है कि हमारे बॉडी में किस तरह से काम करता है? तो पहले तो हम लोग स्केलेटल के फंक्शन की बात करेंगे कि ये इसका कार्य क्या है। ठीक है, फिर इसके हम लोग कंपोजिशन की बात करेंगे, यानी कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है। क्लियर, संगठक जिसको बोलते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे क्या बाबू, फिर हम लोग इसमें बात करेंगे कि जो हम लोगों का स्केलेटल है तो इसमें हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर ऑफ बोन्स से। ठीक है, फिर हम लोगों से पूछा जाता है बोन्स स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर, फिर हम लोगों का बोन्स नेम पूछा जाता है। फिर हम लोगों से बोन से रिलेटेड जो डिजीज है जिसको हम लोग रोग कहते हैं, ये पूछा जाता है। फिर हम लोगों से ज्वाइंट्स पूछा जाता है, जिसे हम लोग जोड़ भी कहते हैं, हिंदी में इसे आजकल संधि भी कहा जा रहा है। तो स्केलेटल सिस्टम में ये सारी चीज़ें हम लोगों को जानना होगा कि हमारे क्रैनियम कपाल में कितने बोन्स हैं, रिब्स में कितने बोन्स हैं, नोज में कितने बोन्स हैं। क्लियर,
हम लोग के ऊपरी जबड़े में कितना बोन्स है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो उसको हम लोग, हाँ, ध्यान रखना होगा कि हम लोग जो भी ह्यूमन सिस्टम की बात करेंगे तो हम लोग 3D एप्लीकेशन के थ्रू इन सभी बातों को जानेंगे, ठीक है। 3D एप्लीकेशन चलाएंगे हम लोग, 3D एप्लीकेशन से हम लोग देखेंगे, 3D फिगर होगा तो बातें और भी ज़्यादा समझ में आएगी। तो आशा करते हैं कि हम लोग जब पढ़ेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा, आप लोगों को भी मज़ा आएगा। तो चलिए, तो इसको हटाते हैं चैप्टर नंबर 3 को। चैप्टर नंबर 3 के बाद हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 का। चैप्टर नंबर 4 की बातें होगी। चैप्टर नंबर 4 क्या पढ़ेंगे बाबू हम लोग? तो जब हम लोगों ने हड्डी पढ़ लिया तो चैप्टर नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे क्या बाबू? ब्लड। ब्लड पढ़ेंगे, जिसे हम लोग रक्त कहते हैं। फिर ब्लड जब पढ़ेंगे हम लोग तो यहीं पे बातें होगी, ब्लड की तो बात होगी ही, ब्लड ग्रुप की बात होगी, ब्लड कार्पल्स की बात होगी, ब्लड कार्पल्स की बात होगी। फिर हम लोग जब ब्लड में ही आगे बढ़ेंगे तो हम लोग RH फैक्टर की बात करेंगे, ठीक है। RH पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होता है उसकी बातें हम लोग करेंगे, RH फैक्टर की भी बातें करेंगे हम लोग, क्लियर। इसके अलावा हम लोग बातें करेंगे एक इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट बीमारी है जिसे हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। फेटालिस काफ़ी इंपॉर्टेंट बीमारी है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस बीमारी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ब्लड जो ही पढ़ेंगे बाबू हम लोग, तो जैसे जो ही ब्लड पढ़े तो ये हमें देखना होगा कि ब्लड हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ से फ्लो करता है, कहाँ कहाँ से ब्लड हमारे बॉडी में बहता है, ये चीज़ें होगी। तो ब्लड जब हमारे बॉडी में कहाँ से कहाँ तक जाता है, जब ब्लड हमारे शरीर में कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो फिर जो हम लोगों का चैप्टर शुरू होगा बाबू, वह चैप्टर होगा हम लोगों का चैप्टर नंबर 5। कौन सा होगा? चैप्टर नंबर 5 होगा। तो चैप्टर नंबर 5 की बातें करेंगे हम लोग कि चैप्टर नंबर 5 क्या कह रहा है, उसमें क्या करना है। तो इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग, तो इसको हम मिटा सकते हैं। बोलो, मिटा दें? चलो तो मिटाते हैं। चैप्टर नंबर 5 की बातें हो रही है। क्या है बाबू चैप्टर नंबर 5? चैप्टर नंबर 5 देखेंगे। चैप्टर नंबर 5 है हम लोगों का बाबू कि हम लोग पढ़ेंगे क्या? ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन जिसे हम लोग कहते हैं रक्त परिसंचरण। हमारे बॉडी में ब्लड कहाँ से कहाँ मूव करता है, ये ब्लड सर्कुलेशन होगा। अब ब्लड सर्कुलेशन को बिना हर्ट समझे कैसे पॉसिबल है? बिना हर्ट को समझे ब्लड सर्कुलेशन हम लोग समझ सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 क्या हो गया? हर्ट हो गया। तो इस तरह से हर्ट की कहानी हम लोगों ने क्या किया? खत्म कर लिया। हर्ट के बाद चैप्टर नंबर जो 7 होगा हम लोगों का, अब आएंगे हम लोग सिंपल चैप्टर पर जिसे हम लोग कहते हैं डाइजेशन, जिसे हम लोग कहते हैं पाचन। फिर हम लोग का 8वां नंबर चैप्टर आएगा जिसे हम लोग बोलते हैं क्या बाबू? रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन जिसे हम लोग कहते हैं श्वसन। रेस्पायरेशन फिर हम लोगों का चैप्टर नंबर 9 आएगा यहां पर बाबू। चैप्टर नंबर 9 जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन जिसे हम लोग बोलते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन तो जैसे यहां तक हम लोगों का क्लियर है बाबू कि हर्ट पढ़ेंगे तो हर्ट में क्या पढ़ेंगे, क्लियर है यहां तक। ब्लड पढ़ेंगे तो ब्लड में क्या पढ़ेंगे। डाइजेशन में हम लोग पढ़ेंगे बाबू कि जो चीजें हम लोग इनहेल करते हैं, जो चीजें हम लोग अपने बॉडी के अंदर बकल कैविटी से अंदर डालते हैं, तो इनका डाइजेशन कैसे होता है, ये चीजें होगी। डाइजेशन के बाद बॉडी हमारा उस मटेरियल को, पचे हुए भोजन को ऑब्जर्व करता है, अवशोषित करता है। तो ये अवशोषित जो भोजन होते हैं, ऑब्जर्व फूड होते हैं, ये हमारे बॉडी में जाते हैं, लीवर के पास जाते हैं, लीवर फिर उनको सर्कुलेट करता है। तो ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन में। फिर हम लोग इनहेल करते हैं एयर को, एयर हमारे बॉडी में कैसे फंक्शन करता है, हमारा लंग्स कैसे फंक्शन करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे किस में? रेस्पायरेशन में। हार्ट हम लोगों का कैसे पंप करता है, क्या फंक्शन है, ये 3D एप्लीकेशन हम लोगों के पास है।
3D पिक्चर्स हैं हम लोगों के पास जो मूव करते हुए हार्ट को हम लोग देखेंगे कि हार्ट जो है लव डब का साउंड कैसे करता है, हार्ट में कैसे ब्लड कहाँ से कहाँ जाता है, ब्लड में कहाँ प्योर ब्लड है, कहाँ इम्प्योर ब्लड है, ये सारी चीज़ें हम लोग हार्ट में बात करेंगे। डाइजेशन में हम लोगों ने देख लिया, भोजन के पचने के बारे में बात करेंगे। रेस्पायरेशन में कि हमारे बॉडी में जो एयर जाता है वो एयर हमारे बॉडी में कैसे मूव करता है, कहाँ से कहाँ जाता है, ये सारी चीज़ें, और हम लोगों का लंग्स कैसे काम करता है, ये रेस्पायरेशन में देखेंगे। एक्सक्रेशन में क्या पढ़ेंगे, उत्सर्जन में, बहुत सारे स्टूडेंट को समस्याएं होगी कि सर एक्सक्रेशन क्या है, उत्सर्जन क्या है। तो जैसे हम लोग डाइजेशन में कोई फूड लेते हैं, कोई भी फूड हम लोग डाइजेशन के थ्रू अपने बॉडी में लिए, तो वह फूड हमारे जब बॉडी में जाता है तो उसका कंप्लीटली डाइजेशन होगा, कंप्लीटली वो पचेगा। तो दो तरह के मटेरियल हमारे बॉडी में बनेंगे, एक मटेरियल जिसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, यूजफुल मटेरियल, और दूसरा बनेगा हार्मफुल मटेरियल, यानी आफ्टर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है बाबू, तो कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फूड में टूटना ही क्या है, मेटाबॉलिज्म है, या सिंपल फूड का कॉम्प्लेक्स फूड बनना ही क्या है, मेटाबॉलिज्म है। तो एक लाइन में अगर हम लोग बोलें कि हमारे बॉडी में जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शन हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो ये जो मेटाबॉलिज्म होगा तो हमारे शरीर में दो तरह के मटेरियल बनेंगे, एक मटेरियल जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल होगा और दूसरा जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होगा। तो जो हार्मफुल मटेरियल होते हैं बॉडी उसको समय समय पर शरीर से बाहर निकालता है, और जो यूजफुल मटेरियल होते हैं उसको हमारा बॉडी ऑब्जर्व कर लेता है और सेल को दे देता है, सेल उसको यूज करता है, एनर्जी जनरेट करता है, या शरीर में जो भी काम है वो करेगा। लेकिन हार्मफुल मटेरियल हमारे बॉडी में ज़्यादा देर तक नहीं रहता, हमारा बॉडी हार्मफुल मटेरियल को बाहर निकाल देता है, और जो हार्मफुल मटेरियल बाहर निकलता है दैट इज कॉल्ड एक्सक्रेटरी मटेरियल, जिसे हम लोग बोलते हैं उत्सर्जी पदार्थ। जैसे हमारे बॉडी से यूरिन पास होता है, तो यूरिन क्या है, हमारे बॉडी को कोई जरूरत नहीं है, तो यूरिन क्या है, दैट इज एक्सक्रेटरी मटेरियल। हमारा पसीना, स्वेट जो है, तो पसीना जो हमारे बॉडी से निकलता है ये भी क्या है, एक्सक्रेटरी मटेरियल है। क्लियर, हमारे बॉडी से CO2 निकलता है तो वो भी क्या है, एक्सक्रेटरी मटेरियल है। हमारे शरीर से अनपचा भोजन, अनडाइजेस्टेड फूड स्टूल के रूप में बाहर निकलता है, तो डैट इज एक्सक्रेटरी। तो एक्सक्रेटरी मटेरियल समझ गए, तो यही सब सारी चीज़ें किडनी, लीवर, लंग्स, हमारा बॉडी से क्या क्या हानिकारक मटेरियल को निकालता है वो पढ़ेंगे हम लोग एक्सक्रेशन चैप्टर में। और 10th नंबर हम लोगों का जो चैप्टर होगा बाबू, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सक्रेशन के बाद जो हमारा चैप्टर होगा उस चैप्टर को हम लोग बोलेंगे क्या बाबू, तो इस चैप्टर का नाम होगा हम लोगों का ग्लैंड। इस चैप्टर का नाम होगा ग्लैंड, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रंथि। इस चैप्टर को क्या कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं, ग्लैंड चैप्टर के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। तो ग्लैंड अब जब हम पढ़ेंगे तो ग्लैंड भी अपने आप में बायो का एकदम पूरी तरह से रीढ़ की हड्डी है। ग्लैंड चैप्टर क्या है, रीढ़ की हड्डी हो जाएगा हम लोगों का। और इसमें हम लोग तीन तरह के ग्लैंड की बात करेंगे, एक इंडोक्राइन ग्लैंड की बात करेंगे, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करेंगे, और एक मिक्स्ड ग्लैंड की बात करेंगे इस ग्लैंड चैप्टर में। इंडोक्राइन में हम लोगों को पढ़ना है 10 ग्लैंड के बारे में। जैसे आप लोग नाम सुनते होंगे थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड से 11 तरह के हार्मोन निकलते हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, किसमें, ग्लैंड चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। फिर तो इसको मिटाते हैं, तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, तब तक फिर कुछ आगे सोचते हैं हम लोग। चलिए लिख लिए बाबू, चलो तो मिटाते हैं, मिटाने का काम शुरू। चलिए तो आगे हम लोग लगभग 11-12 चैप्टर लिख लिए थे, तो 12 नंबर चैप्टर को अगर हम लोग देखते हैं तो ये पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी को सिंपल तौर पे जानेंगे डाइवर्सिटी, जिसे हम लोग बोलते हैं विविधता। टैक्सोनॉमी का हिंदी होता है वर्गीकी, तो इसका भी इंट्रोडक्शन होगा, ये भी काफ़ी अच्छा चैप्टर है, इससे एग्जाम में खूब क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं।
टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे तो हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा प्लांट के बारे में, फिर पढ़ना पड़ेगा एनिमल के बारे में, ठीक है। और इसमें हम लोग बांट करके पढ़ते हैं। प्लांट्स अगर पढ़ना शुरू करेंगे हम लोग तो प्लांट्स में हम लोगों को मिलेगा क्या, क्रिप्टोगेमी प्लांट, ठीक है। दूसरा मिलेगा हम लोगों को फैनरोगेमी प्लांट, फैनरोगेमी प्लांट। फिर हम लोगों को मिलेगा एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। फिर हम लोगों को मिलेगा जिम्नोस्पर्म, क्या मिलेगा हम लोगों को, जिम्नोस्पर्म। क्लियर। एनिमल की बात करेंगे तो हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा प्रोटोजोआ, फिर पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को पोरीफेरा, फिर हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। फिर पढ़ना पड़ेगा, इसी में हम लोग लिख रहे हैं, प्लेटीहेलमिंथीज, प्लेटीहेलमिंथीज इसी में पढ़ना होगा, इसी में पढ़ना होगा एसके हेलमिंथीज। फिर इसी में हम लोगों को पढ़ना होगा एनिलिडा, फिर इसी में पढ़ना होगा हम लोगों को आर्थ्रोपोडा, फिर इसी चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग मोलस्का, फिर हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे इकाइनोडर्माटा, फिर इसी में हम लोग पढ़ेंगे कॉर्डेटा, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आप लोग एग्जाम में देखे होंगे क्वेश्चन आता है कि दिए गए ऑप्शन में कौन रियल फिश नहीं है, ट्रू फिश नहीं है, देखें क्वेश्चन, ट्रू फिश नहीं है, आता है ना क्वेश्चन, सिल्वर फिश क्या है, जेली फिश क्या है, ब्रिटल फिश क्या है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, स्टार फिश क्या है। तो हम लोग सोचते हैं कि अगर नाम में फिश लगा है तो होगा फिश ही, बट ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ध्यान रखना होगा, ये बात नहीं है। तो क्या है बात भाई, तो जानना पड़ेगा हम लोगों को कि जो प्रोटोजोआ लिखे हैं इसमें अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, पोरीफेरा में स्पंज आते हैं, यू स्पॉन्जिया आता है, सिलेंट्रेटा में हाइड्रा, मूंगा, ओबिलिया, जेली फिश आते हैं, हाइड्रा, मूंगा, ओबिलिया, जेली फिश, सी एनिमोन आते हैं सिलेंट्रेटा में, प्लेटीहेलमिंथीज में आते हैं फ्लैटवर्म, फ्लैटवर्म लीवर फ्लूक आते हैं प्लेटीहेलमिंथीज में, एसके हेलमिंथीज में आते हैं राउंड वर्म, एनिलिडा में आते हैं अर्थवॉर्म, लीच, जोंक, केचुआ, नेरिस ये सब आते हैं एनिलिडा में। अर्थोपोडा की बात करेंगे तो जितना छह पैर वाला है जिसको इंसेक्ट कहते हैं वो सब अर्थोपोडा में आएंगे, तो इंसेक्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों को स्पाइडर इसी में आता है लेकिन उसका आठ पैर होता है, ध्यान रखना होगा। फिर मोलस्का में आएगा सीप, सीपिया, घोघा, स्नेल, ऑक्टोपस ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे मोलस्का में। इकाइनोडर्मेटा में आएगा स्टार फिश, ब्रिटल फिश ये सब आएंगे, और कॉर्डेटा में आएंगे बर्ड्स, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, मैमल्स। तो हम लोग किस में आते हैं, कॉर्डेटा में आते हैं, आया बात समझ में। फिर अगर हम लोग बात करते हैं क्रिप्टोगेमी प्लांट का, तो क्रिप्टोगेमी प्लांट में वैसे प्लांट आएंगे जिसमें फूल नहीं होते हैं, फ्लावर्स अब्सेंट होगा, ठीक है। फैनरोगेमी में फ्लावर्स आना शुरू होंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म ये सारी चीज़ें होगी, तो ये सब कुछ हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा किस में, टैक्सोनॉमी चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। फिर अगर हम लोग बात करते हैं टैक्सोनॉमी को छोड़ दें तो और क्या हम लोगों के एग्जाम में पूछेगा, तो ये देखते हैं अब हम लोग कि नेक्स्ट जो चैप्टर होगा, चैप्टर नाम आप लोग देख लीजिएगा, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स आनुवांशिकी, आनुवांशिकी, आनुवांशिकी में हम लोग कुछ बीमारियों को देखेंगे, जैसे कि आनुवांशिकी तो पढ़ेंगे ही, इसका थ्योरी भी पढ़ेंगे, लेकिन एक बीमारी का आप लोगों ने नाम सुना होगा हीमोफीलिया, हीमोफीलिया कैसे ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। एक बीमारी सुने होंगे ब्लाइंड, ये कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस जिसे हम लोग बोलते हैं वर्णांधता, वर्णांधता, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया तो हीमोफीलिया ही है, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में देखते होंगे कोई फीमेल है उसको हीमोफीलिया हुआ है, उसकी शादी एक नॉर्मल लड़के से हो जाती है, तो जो उनके बच्चे होंगे उनमें हीमोफीलिया कैसे जाएगा, कितना परसेंट जाएगा, ये सब क्वेश्चन जागते होंगे, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जेनेटिक्स चैप्टर में, क्लियर। जेनेटिक्स चैप्टर के बाद अगर हम लोग देखें बायो में ही तो और भी चैप्टर बचे हुए हैं, जैसे अगर हम लोग कुछ चैप्टर को लें तो आप लोग देखे होंगे सेल, सेल चैप्टर, चैप्टर नेम दे दीजिएगा, कोशिका, कोशिका पढ़ेंगे हम लोग, तो इसमें सेल ऑर्गन काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसका टॉपिक है,
सेल ऑर्गन, ठीक है ना। सेल ऑर्गन की जब बात करेंगे तो क्या क्या पढ़ेंगे बाबू, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर हम लोग पढ़ेंगे गॉल्जी बॉडी, गॉल्जी बॉडी इसी में पढ़ेंगे, इसी में हम लोग पढ़ते हैं लाइसोसोम, इसी में हम लोग पढ़ते हैं राइबोजोम, राइबोजोम इसी में पढ़ते हैं हम लोग, इसी में पढ़ते हैं हम लोग सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम इसी में हम लोग पढ़ते हैं वैकुल्स, ये सब सारी चीज़ें हम लोग सेल में ही पढ़ेंगे। फिर इसका सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट है जिसे हम लोग बोलते हैं सेल डिवीजन, सेल डिवीजन जिसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन कोशिका विभाजन, माइटोसिस मियोसिस ये सबसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये सेल चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, करना पड़ेगा, यू हैव टू डू इट, तब जाकर के एसएससी के एग्जाम में 25 साइंस के क्वेश्चन, ये 12 साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस 12 साइंस के क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन बायो से होते हैं, जो 7 नंबर आपका होगा और एग्जाम में एक एक नंबर का भी इंपॉर्टेंस है। अगर आप बीपीएससी के एग्जाम देने वाले हैं तो उसमें 30 क्वेश्चन साइंस से पूछे जाते हैं, ठीक है, और 300 क्वेश्चन अपने होते हैं, साइंस के क्वेश्चन जनरली गलत नहीं होते हैं, हम लोग जो पढ़ते हैं वही एग्जाम में आते हैं, और मेरा तो अपना रिकॉर्ड है कि मैंने जो पढ़ाया आज तक तो एग्जाम में 90% तक एग्जाम मेरे पढ़ाए हुए चीज़ों से आए हैं, ठीक है। तो इसलिए इतना अगर हम लोग करेंगे तो कोई भी एग्जाम देंगे तो कोई समस्याएँ हम लोगों को होनी नहीं चाहिए, क्लियर। तो नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की अगर बात करेंगे हम लोग तो नेक्स्ट चैप्टर आएगा टीशू, अगला चैप्टर क्या होगा बाबू, टीशू, टीशू जिसे हम लोग ऊतक कहते हैं, टीशू चैप्टर आएगा। तो इतने चैप्टर तो हम लोगों के मोटा मोटी हो गए बायो के जूलॉजी वाले सेक्शन में। अगर हम लोग बात करें बोटनी का, बोटनी का बात करें तो बोटनी की अगर बात करेंगे तो बोटनी में क्या क्या पूछेगा बाबू, तो बोटनी में हम लोगों को पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा किसके बारे में, प्लांट्स के बारे में। तो जब हम लोग प्लांट्स के बारे में बात करेंगे मेरे लाल बाबू, तो प्लांट्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो प्लांट में भी सेम वही चीज, प्लांट में अगर हम लोग बात करेंगे तो प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, मॉर्फोलॉजी में सब आ गया, जड़ तना पत्ती फल फूल सब आ गया, फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन खूब आता है, फोटोसिंथेसिस चैप्टर से क्वेश्चन अच्छे आते हैं तो ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। फिर हम लोगों को इसमें सबसे अच्छे क्वेश्चन आते हैं प्लांट हार्मोन से, प्लांट हार्मोन से। अब बाकी जो हम लोग पढ़ते हैं प्लांट सेल प्लांट टिश्यू ये सब चीज़ें तो होती रहेगी। तो ये एक मोटा मोटी हम लोगों का सिलेबस डिस्कस हो गया, जो देखने में हम लोगों को लगता है कि 18-19 चैप्टर हैं, लेकिन अगर ये काउंट किया जाए अकेले अकेले तो ये जो है लगभग 30 चैप्टर हैं, 30 चैप्टर के आसपास होते हैं। तो आशा करते हैं कि सिलेबस आप लोगों को समझ में आया, तो जब सिलेबस समझ में आया तो बायो का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि नहीं, बायो का इंट्रोडक्शन कर लिया जाए कि नहीं, बोलो 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 बोलो। तो बायो का इंट्रोडक्शन हम लोग कर लेते हैं, तो इसलिए हम लोग हेडिंग बनाएंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी वाले चैप्टर की शुरुआत करते हैं, और जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी पहला चैप्टर, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का परिचय। जीव विज्ञान का परिचय में क्या पढ़ेंगे भाई, तो देखते हैं क्या एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो जीव विज्ञान के जब परिचय की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि जीव विज्ञान शब्द का, यानी जो वर्ड है जिसका नाम है बायोलॉजी, ठीक है, वर्ड बायोलॉजी का पहली बार फर्स्ट यूज किसने किया, यही ना, बायोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग करने वाला साइंटिस्ट कौन है, कौन है भाई, तो बायोलॉजी शब्द का पहली बार यूज करने वाला साइंटिस्ट है जिसका नाम है लैमार्क एंड ट्रेविरेनस, ट्रेविरेनस, लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक साइंटिस्ट ने 1801 AD, ठीक है, वन भी होता है टू भी होता है, 1801 ईस्वी में लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक साइंटिस्ट ने बायोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग किया। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि बायोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था,
तो द वर्ल्ड बायोलॉजी यूज्ड एट फर्स्ट लैमार्क एंड ट्रेविनेनस। आया बात समझ में कि बायोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? तो लैमार्क और ट्रेविनेनस। तो क्या ये फादर ऑफ बायोलॉजी हैं? क्या ये फादर ऑफ बायोलॉजी हैं? तो बोलेंगे नहीं जी, ये फादर ऑफ बायोलॉजी नहीं है। तो है कौन भाई? तो अब बात शुरू होगी किनका? फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? तो ये हैं जिनका नाम है एरिस्टोटल, जिसे हम लोग कहते हैं अरस्तु। फादर ऑफ बायोलॉजी हम लोग एरिस्टोटल को, अरस्तु को कहते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं, एरिस्टोटल को कहते हैं। क्यों कहते हैं ये चीजें हम लोग आगे सीखेंगे अभी तुरंत। तो हम लोगों ने यहां से दो पॉइंट सीखा, दोनों खतरनाक है, दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। तो हम लोगों ने सीखा क्या बाबू? कि द वर्ड बायोलॉजी, बायोलॉजी वर्ड का पहली बार प्रयोग किसने किया? तो 1801 ईस्वी में लैमार्क और ट्रेविनेनस नामक साइंटिस्ट ने बायोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। लेकिन ये फादर ऑफ बायोलॉजी नहीं थे। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन थे भाई? तो फादर ऑफ बायोलॉजी हैं एरिस्टोटल, अरस्तु जिसे कहते हैं। दुनिया के ये दो चार साइंटिस्टों में से एक हैं। कैसे साइंटिस्ट? जिनका हिंदी में नाम कुछ और है, अंग्रेजी में कुछ और है, बट हम लोगों को याद तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, यू हैव टू डू इट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़े। आगे अब क्या हम लोग सीखेंगे बाबू? ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान की शाखाएं। जीव विज्ञान के ब्रांच किसने हैं बाबू? तो जीव विज्ञान के ब्रांच कितने हैं यह सोचने के लिए आप लोगों को 30 सेकंड का समय देते हैं। आप अपने मन में सोच लीजिए कि बायोलॉजी के ब्रांच कितने होते हैं। सोच लिया? जो भी सोचे होंगे बायोलॉजी के अगर ब्रांच की बात करें तो मोर देन 50। ठीक है, आप लोगों को एक PDF प्रोवाइड करेंगे जिसमें बायोलॉजी के 50 ब्रांच से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग यहां पे जो बात कर रहे हैं वो है मेन ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान की मुख्य शाखाएं। तो मेन ब्रांच की बात करेंगे, मुख्य शाखा की बात करेंगे। तो मेन ब्रांच बायो के जो हैं वो तीन हैं, जिसमें एक ब्रांच को बोलते हैं जूलॉजी, जिसे हम लोग कहते हैं क्या बाबू? जंतु विज्ञान। और दूसरा जो सेगमेंट है जिसे हम लोग बोलते हैं बोटनी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बोटनी, जिसे हम लोग कहते हैं जंतु विज्ञान। क्या कहेंगे इसे? जंतु विज्ञान। और तीसरा ब्रांच जिसे हम लोग कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जिसे हम लोग कहते हैं सूक्ष्म जैविकी, सूक्ष्म जैविकी। क्लियर? तो बायोलॉजी के जो ब्रांच की बात हो रही है तो बायोलॉजी के ब्रांच कितने हैं बाबू? 50 से ज्यादा हैं। और जिसमें से एक आपको असाइनमेंट मिलेगा जिसमें कि 50 ब्रांच वो हम देंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो याद करना पड़ेगा। जैसे आप लोग पढ़ते हैं साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल, हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू, पढ़ते हैं कार्डियोलॉजी स्टडी ऑफ हार्ट, पढ़ते हैं ना। तो ये सब जो चीजें वो बायोलॉजी के ब्रांच है और इससे क्वेश्चन आते हैं। तो लेकिन हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं मेन ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की मेन ब्रांचेज कितनी है बाबू? तो बायोलॉजी की मेन ब्रांचेज है तीन, जिसमें पहला है जूलॉजी, दूसरा है जिसका नाम है बोटनी, और तीसरा है माइक्रोबायोलॉजी। तो एग्जाम में क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछेगा ये देखना होगा। तो एग्जाम में जूलॉजी से क्वेश्चन ये पूछेगा मेरे लाल बाबू, क्या पूछेगा? कि जो बायोलॉजी है इसमें हम लोग स्टडी किसका करते हैं भाई? बायोलॉजी जो ब्रांच है इसमें स्टडी किसका करते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं? तो इसमें हम लोग स्टडी किसका करते हैं? एनिमल्स का करते हैं, जंतु का करते हैं। ये एनिमल्स कैसे होंगे? तो एनिमल्स ये लाइव भी हो सकते हैं, डेड भी हो सकते हैं। ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हम लोग बायोलॉजी का जो ब्रांच जूलॉजी है उसके अंतर्गत किसका स्टडी करते हैं, किसका स्टडी करते हैं? तो स्टडी तो हम लोग एनिमल का करते हैं, बट ये एनिमल होते कैसे हैं? तो ये जीवित और मृत दोनों होते हैं। आपको पता होगा कि डायनासोर के लिए अलग से बायोलॉजी नहीं है, डायनासोर को पढ़ना पड़ता है जूलॉजी में ही। ठीक है, और जो माइक्रोबायोलॉजी है इसमें हम लोग स्टडी किसका करते हैं बाबू? तो इसमें स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोले तो सूक्ष्म जीव, जैसे वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, वायरस का स्टडी, बैक्टीरिया का स्टडी कहाँ करेंगे? माइक्रोबायोलॉजी में। और स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स जिसे हम लोग बोलते हैं पौधा,
पादप भी इसे कहते हैं। तो हम लोग प्लांट्स का स्टडी कहाँ करेंगे बाबू, तो ब्रांच होगा जिसको हम लोग बोलेंगे बोटनी। तो फिर हम लोग उसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बाबू जो जूलॉजी तुम पढ़ रहे हो इसके फादर भी कोई हैं क्या, तो हम लोग बोलेंगे यस सर इसके फादर हैं। तो फादर हैं कौन, तो उनका नाम लिखना पड़ेगा। तो स्टडी ऑफ, ये स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। अब फादर ऑफ जूलॉजी इज एरिस्टोटल, एरिस्टोटल जिसे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले अरस्तु कहा था। फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी दोनों एरिस्टोटल है, क्यों है ये थोड़ी देर में जानेंगे हम लोग आगे बढ़ा के, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी के जो फादर हैं ये हैं हम लोगों का लीवेनहॉक, लीवेनहॉक, लीवेनहॉक नामक साइंटिस्ट को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और बॉटनी के फादर जो हैं इनका नाम है थियोफ्रेस्टस, 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 थियोफ्रेस्टस को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ, फादर ऑफ बॉटनी। ध्यान रखना होगा फादर ऑफ बॉटनी किसे कहेंगे हम लोग, तो थियोफ्रेस्टस को, फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहेंगे एरिस्टोटल को, और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहेंगे हम लोग लीवेनहॉक को। क्यों कहते हैं इसको जानने के लिए थोड़ा सा हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। पहले तो नोट कर लो, नोट कर रहे हो, करना तो पड़ेगा क्योंकि एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन, ठीक है, और स्टडी तो एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन छह क्वेश्चन, इसके पहले दो क्वेश्चन हमने बताया था आठ क्वेश्चन हुआ और अभी फिर दो क्वेश्चन निकल करके आएगा, ठीक है, दो ही नहीं बल्कि पांच क्वेश्चन निकलेगा इंट्रो से, इंट्रो से पांच क्वेश्चन निकलेगा ना। चलो यहीं पर लिखना है। चलिए तो अब हम लोग जो बात कर रहे हैं जूलॉजी का, तो हमने बोल दिया कि एरिस्टोटल को फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं, तो कोई भी तो पूछ सकता है भाई क्यों कहते हैं, ऐसा इसने क्या काम किया, क्योंकि लैमार्क और ट्रेविरियनस ने तो बायोलॉजी वर्ड ही दिया था, तो उसको फादर क्यों नहीं कहा, अब फिर एरिस्टोटल को फादर क्यों कह रहे हो। तो एरिस्टोटल को फादर कहने का रीजन है बाबू कि ये दुनिया के ऐसे पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक बुक लिखा और इस बुक का नाम इन्होंने दिया हिस्टोरिया, हिस्टोरिया एनिमेलम। बहुत सारे बच्चे को लगता है कि मास्टर जी ने हिस्टोरिया एनिमेलम गलत लिखा है, ठीक है, एग्जाम में यही आता है। इसका पूरा नाम है किताब का हिस्टोरिया डी एनिमेलिया, ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज की किताब है, इंडिया में फ्रेंच लैंग्वेज से क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो उस फ्रेंच को हम लोग शॉर्टकट कर लिए हिस्टोरिया एनिमेलम। क्या नाम है बाबू, हिस्टोरिया, हिस्टोरिया एनिमेलम। तो अब पूछेगा कि हिस्टोरिया एनिमेलम ऐसा क्या किताब था कि बाबू इसको तुमने बोल दिया क्या फादर ऑफ जूलॉजी। तो ये किताब ऐसी थी, दुनिया की पहली ऐसी किताब है जिस किताब में 500 एनिमल का लिस्ट तैयार था। इस किताब में क्या था बाबू, लिस्ट ऑफ 500 एनिमल्स। ये दुनिया की पहली किताब है जो एनिमल्स पे लिखी गई और इसमें 500 एनिमल्स को, हालांकि कुछ विद्वान कहते हैं कि 500 नहीं था 480 था, उससे कोई टेंशन नहीं है, एग्जाम में 500 ही आता है, ठीक है। तो 500 एनिमल का इन्होंने एक लिस्ट तैयार किया जिनका नाम था एरिस्टोटल और उस किताब का नाम दिया क्या हिस्टोरिया एनिमेलम। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि हिस्टोरिया एनिमेलम किसकी पुस्तक है, हिस्टोरिया एनिमेलम किताब को किसने लिखा, तो हिस्टोरिया एनिमेलम किताब को लिखा किसने, एरिस्टोटल ने लिखा। हिस्टोरिया एनिमेलम किताब में है क्या, तो लिस्ट ऑफ 500 एनिमल्स। तो इन एनिमल्स के बारे में इन्होंने क्या लिखा है, तो इन्होंने एनिमल्स की एनाटोमी, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी। आप सोचोगे ये एनाटोमी क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, तो मॉर्फोलॉजी का मतलब कि ये बाहर से कैसे दिखते हैं, एनाटोमी का मतलब कि ये अंदर से कैसे दिखते हैं, और फिजियोलॉजी का मतलब कि इनका ऑर्गन काम कैसे करता है। सोच रहे हो कितनी बड़ी बात, 500 एनिमल का एनाटोमी अंदर से कैसे दिखते हैं, मॉर्फोलॉजी बाहर से कैसे दिखते हैं, फिजियोलॉजी की इनके ऑर्गन कैसे काम करते हैं। तो भाई इनको नहीं बोलेंगे फादर ऑफ जूलॉजी तो किसको बोलेंगे, बोलना पड़ेगा, तो फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड एरिस्टोटल। क्यों, क्योंकि इन्होंने किताब लिखा था हिस्टोरिया एनिमेलम और इसमें 500 एनिमल्स का लिस्ट तैयार किया और इन एनिमल्स का फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी और एनाटोमी के बारे में लिखा था। और लीवेनहॉक को इसलिए कहते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्योंकि ये दुनिया के ऐसे पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पहली बार, ये फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लाइव सेल को देखा था, लाइव सेल जीवित कोशिका,
1674 ईस्वी में दुनिया के ये पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लाइव सेल को देखा था। यही लाइव सेल आगे चलकर पता चला कि ये तो बैक्टीरिया था। तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंड फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज कॉल्ड लीवेनहॉक। आया बात समझ में? क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडीज करना पहली बार शुरू किया था। और अरस्तु का ही पढ़ाया हुआ एक स्टूडेंट था जिसका नाम था थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस ने क्या किया बाबू? तो थियोफ्रेस्टस ने भी एक किताब लिखा, बोला कि जब आप लिखिएगा मेरे टीचर होकर के तो हम काहे नहीं लिखेंगे। इसने भी लिख दिया किताब, और उस किताब का नाम क्या था? हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया एनिमेलम, हिस्टोरिया प्लांटेरम। एनिमेलम लिखा अरस्तु ने, प्लांटेरम लिखा थियोफ्रेस्टस ने। और इस किताब में क्या था बाबू? तो लिस्ट ऑफ 500 प्लांट्स। इसने भी वही काम किया, उन्होंने 500 एनिमल का लिस्ट तैयार किया, इसने 500 प्लांट का लिस्ट तैयार किया। और इसमें भी वही लिखा 500 प्लांट का एनाटोमी, अंदर से कैसे हैं, फिजियोलॉजी इनके ऑर्गन कैसे काम करते हैं, मॉर्फोलॉजी बाहर से कैसे दिखते हैं। आया बात समझ में? तो हिस्टोरिया एनिमेलम किसकी बुक है? एरिस्टोटल का। हिस्टोरिया प्लांटेरम किसकी बुक है? थियोफ्रेस्टस का। और एक सबसे इंपॉर्टेंट काम करेंगे हम लोग जो आज का लास्ट टॉपिक होगा, और वो होगा हम लोगों का क्या होगा, पहले लिख लो, तब लिख लिए, अगर लिख लिए तो फिर हम लोग बात करते हैं आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या है इंपॉर्टेंट भाई? तो इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग अगर बात करते हैं किसका, नाम सुना होगा सुकरात, नाम सुने हो इसका, सुकरात बहुत बड़ा जीनियस व्यक्ति, ठीक है, दुनिया का ये पहला व्यक्ति है सुकरात जिसने राजतंत्र का विरोध किया था कि राजा नहीं चाहिए। आइए लोगों को समझाने लगा कि राजा अच्छा चीज नहीं है, तो इसके बाद से बहुत सारे युवा प्रभावित हुए। तो इसको राजा ने पकड़ा और इस पे आरोप लगा कि तुम युवाओं को बहका रहे हो, इसलिए तुम्हें भरे दरबार में जहर पीना होगा और मरना पड़ेगा। तो सुकरात ने जहर पिया और मर गया। इसका एक स्टूडेंट हुआ जिसका नाम था प्लूटो, इसका एक स्टूडेंट हुआ जिसका नाम था प्लूटो। प्लूटो ने पढ़ाया किसको? अरस्तु को, एरिस्टोटल को। अरस्तु ने पढ़ाया किसको? थियोफ्रेस्टस को, थियोफ्रेस्टस को। जैसे इतिहास में पढ़ते होंगे कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो एमजी रनाडे, महागोविंद रनाडे। अब देखो थियोफ्रेस्टस का टीचर कौन है? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल का टीचर कौन है? प्लूटो। प्लूटो का टीचर कौन है? सुकरात। तो यहां से एक सीरीज आता है। हालांकि ये क्वेश्चन तो हिस्ट्री में जो ही आएगा तो लगेगा हिस्ट्री ही है, लेकिन हिस्ट्री वाले मास्टर जी तो कहां तक पढ़ाएंगे बाबू, हिस्ट्री वाले मास्टर जी यहीं तक न है, यहां कौन है, यहां हम है, ठीक है। तो यहां अब ये याद रखना कि ये सीरीज भी दे सकता है कौन पहले था कौन बाद में था, हो सकता है कि नहीं ऐसा। तो अब देखो थियोफ्रेस्टस तो पढ़ लिया कि अरस्तु का एक स्टूडेंट है थियोफ्रेस्टस, लेकिन आपको हम 30 सेकंड का समय दे रहे हैं कि ये सोच के मन में रख लीजिए, या आप लिख भी सकते हैं कि एरिस्टोटल का एक और स्टूडेंट कौन था, ठीक है। एरिस्टोटल के एक स्टूडेंट का नाम आपको बताना पड़ेगा अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो, नहीं भी जानते होंगे तो अच्छे होंगे, ठीक है। चलिए सोच लिए, आपका टाइम ओवर हुआ। अगर आप सोचे होंगे इसके बारे में तो आप महान हैं, क्योंकि इसका नाम ही सिकंदर महान है, ठीक है ना। सिकंदर महान का भी टीचर कौन था? एरिस्टोटल था, अरस्तु था। तो इन्होंने दो स्टूडेंट, काफी अच्छा था इसका दोनों स्टूडेंट, थियोफ्रेस्टस फादर ऑफ बोटनी, सिकंदर महान है जिसे विश्व विजेता का भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये सीरीज याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बच्चों घर पे रहो, सुरक्षित रहो, पढ़ो, क्योंकि एग्जाम तो होगा अपने टाइम पर, उसके लिए टेंशन मत लो, एग्जाम होना ही है। बस हम लोगों को गलती ये नहीं करना है कि पढ़ना नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा, यू हैव टू डू इट, ठीक है। अगर आप लोग सोचते हैं कि बिना पढ़े हो जाएगा तो ये इम्पॉसिबल है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, हम लोग पहले चैप्टर की शुरुआत करेंगे अब। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, क्लियर।